गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरती क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है पुट वंस हाउस इन ऑर्डर। ये न्यू वर्ड है, फ्रेज की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। पुट वंस हाउस इन ऑर्डर का मतलब होता है चीज़ों को सही ढंग से करना, जो आवश्यक सुधार किसी में किए जाने हैं, रिफॉर्म कोई किए जाने हैं तो वो सही ढंग से करना, आवश्यक सुधार करना, चीज़ों को प्रॉपरली मैनर में रखना, उसे बोला गया है पुट वंस हाउस इन ऑर्डर। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है किसी तरह का आंदोलन करना, विद्रोह करना, बगावत करना या राजद्रोह, उसे बोला जाता है रिबेलियन। सिनोनिम्स है रिवोल्ट, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, डिसओबीडियंस। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, पीस, हार्मनी और अलायंस। कंसेंसेस, कंसेंसेस का मतलब होता है किसी मुद्दे पर लोगों की आम सहमति होना, सर्वसम्मति होना, हामी भरना सभी के द्वारा किसी काम के लिए, उसे बोला गया है कंसेंसेस। सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, अकॉर्ड, यूनिटी और कंकरेंस। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कंफ्लिक्ट। रैचेटिंग अप, ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। रैचेटिंग अप फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, रैचेटिंग अप। रैचेटिंग अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ में एकदम वृद्धि करना, कि वो चीज़ कभी कम ना होने पाए, इंक्रीज करना, बढ़ोतरी करना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है रैचेटिंग अप। सिनोनिम्स है पिकअप, पुश, एक्सिलरेट, ऐड। एंटोनिम्स है डिक्रीज, अबेट, एब्रीविएट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा चतुर होता है, चालाक होता है, होशियार, सयाना, धूर्त, उसे बोला जाता है एस्ट्यूट। सिनोनिम्स है क्लेवर, शार्प, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। एंटोनिम से स्टूपिड, गलिबल, सिली और अनइंटेलिजेंट। हैव और कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, ये भी न्यू फ्रेज है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इडियम है। हैव और कीप योर ईयर टू द ग्राउंड का मतलब होता है हमारे आसपास चीज़ें क्या घटित हो रही हैं इसके बारे में अवेयर, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब एक्टिव रहना, आसपास चीज़ें जो हो रही है उसके बारे में अवेयरनेस होना, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, सचेत रहना, सतर्क रहना इसके बारे में, उसे बोला गया है फ्रेज में कीप योर एयर टू द ग्राउंड। पेंडेमिक, इजी वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ऐसी महामारी जो सर्वोपरि हो, सभी जगह फैली हो, विश्वव्यापी महामारी, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा, उसे बोला गया है पेंडेमिक। मिटिगेट का मतलब होता है किसी तरह की कोई रोग है, समस्या है, कोई गंभीर समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे थोड़ा सा कम करना, हल्का करना, शांत करना या धीमा करना, उसे बोला गया है मिटिगेट। सिनोनिम से एलिविएट, रिड्यूस, ईज, लेसन। एंटोनिम से इसके अग्रावेट, इंक्रीज, इंटेंसिफाई और वर्सन। द 11th आवर, ये वर्ड भी फ्रेज की तरह यूज हुआ है। द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, लास्ट मोमेंट पे कोई डिसीजन लेना या लास्ट मोमेंट पे कोई कार्य करना, उसे बोला गया है द 11th आवर, अंतिम क्षण में। प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं क्या है, भविष्य में क्या क्या किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है किसी काम को करने की, संभावनाएं, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्ट्स। सिनोनिम से पॉसिबिलिटीज, आउटलुक्स, एक्सपेक्टेशंस, पोटेंशियल। एंटोनिम से इम्पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी और क्राइटेरियन। हस्टिंग्स, हस्टिंग्स ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। हस्टिंग्स का मतलब होता है कोई भी पॉलिटिकल लीडर है तो वो किसी चुनावी सभा को संबोधन कर रहा है, चुनावी संबोधन किसी का, उसे बोला गया है हस्टिंग्स। हस्टिंग्स के सिनोनिम्स है इलेक्शन कैंपेन, रोस्ट्रम और प्लेटफॉर्म। न्यू वर्ड है, ये भी नोट कर लीजिएगा। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए राजी करना, मनाना, समझाना कि वो कार्य करे, सहमत कराना, उसे बोला गया है परसुएड। सिनोनिम्स है कन्विंस, इन्फ्लुएंस, प्रॉम्प्ट, कजोल, अर्ज। एंटोनिम से डिसवेड, प्रवेंट, डिस्करेज, डेटर और स्टॉप। रीओरियंट, रीओरियंट का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी काम को हम किन्हीं तरीकों से कर रहे हैं और उसको और बेहतर बनाने के लिए, हम और अनुकूल बनाने के लिए उस कार्य को थोड़ा परिवर्तन करें, डायरेक्शन में चेंजेस करें या फिर अपने मेथड्स में थोड़े से चेंजेस करें उस काम को अच्छा करने के लिए, उसे बोला गया है रीओरियंट। सिनोनिम से रीओरियंटे, रीडायरेक्ट, रीओरियंटेशन, रिफॉर्म और रिकंस्ट्रक्ट। एंटोनिम्स है रिमेन, कंस्टेंट, अबंडन, एग्रावेट और एजिटेट। सगैसिटी, सगैसिटी का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी से कार्य करना,
चतुराई से कार्य करना, दूरदर्शिता रखना हमेशा, बुद्धिमता से कार्य करना, उसे बोला गया है सगैसिटी। सगैसिटी के सिनोनिम्स है विजडम, डिजर्नमेंट, इंटेलिजेंस, जजमेंट और इनसाइट। एंटोनिम्स है इनसैनिटी, फुलिशनेस, फुलिशनेस और सिलीनेस, क्रेजीनेस। स्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक जोखिम में होना, दांव पर लगा होना, रिस्क पे, एट रिस्क, उसे बोला गया है स्टेक। सिनोनिम से हैज़र्ड, जियोपर्डाइज, रिस्क, बेट और एडवेंचर। एंटोनिम से होल, सेफ्टी, डिस्प्लेस और एरियर्स। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम से किसी को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वो काम करे, उकसाना किसी को, प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्ट। सिनोनिम से इंड्यूस, प्रोवोक, मोटिवेट, इंस्पायर, प्रोड। एंटोनिम से थार्डी, स्लो, लेट और डिस्करेज। ओवरप्ले, ओवरप्ले का मतलब होता है अनावश्यक ही बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोलना, अनावश्यक ही जोर देना किसी चीज़ के ऊपर, बेकार में ही महत्व देना, अनड्यू इम्पॉर्टेंस, उसे बोला गया है ओवरप्ले। सिनोनिम से एग्जैजरेट, ओवरडू, मैग्नीफाई, ओवरस्टेट, ओवर एम्फेसाइज। एंटोनिम से डाउनप्ले, अनरेक्ट और डिमिनिश। ये न्यू वर्ड था, नोट कर लीजिए वैसे भी। सेकंड एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है किसी तरह की अस्वस्थता होना, बीमारी, अस्वस्थता, रुग्णता, विकृति, उसे बोला गया है मॉर्बिडिटी। सिनोनिम से डिजीज, इलनेस, एलमेंट। इन दिस पोजिशन और डिसऑर्डर। एंटोनिम से क्लैरिटी, फन, कॉन्फिडेंस और होप। मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी का मतलब होता है किसी जगह पे मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उनकी मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या, दैट इज कॉल्ड मोर्टैलिटी। सिनोनिम से डेथ, फेटेलिटी, डाइंग, मोर्टैलिटी रेट। एंटोनिम से इमोर्टैलिटी, लाइफ, बर्थ और इटर्निटी। कैप्रिस, कैप्रिस का मतलब होता है किसी के व्यवहार में किसी तरह के अचानक से कोई बदलाव आ जाना, चेंजेस आ जाना व्यवहार में, किसी का मूड एकदम बदल जाना, परिवर्तन होना, बिहेवियर में चेंज आना, उसे बोला गया है कैप्रिस। सिनोनिम से विम, क्वर्क, फैंसी, इम्पल्स और विम्जी। एंटोनिम से परमानेंस, कंस्टेंट और डिपेंडेबिलिटी। फोर्सीबल, फोर्सीबल का मतलब होता है क्या घटना घटित होने वाला है, होने वाली है, इसके बारे में गेस करना, प्रत्याशित, अनुमान लगाना, जो घटना होने वाली है उसके बारे में अनुमान करना, फोरकास्ट लगाना, जिसे प्रेडिक्ट किया जा सके, उसे बोला गया है फोर्सीएबल। सिनोनिम्स है प्रेडिक्टेबल, एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, फोरसीन और लाइकली। एंटोनिम्स है अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, एक्सीडेंटल और अनप्लान्ड। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी हम बहुत बार वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, इनएविटेबल, तो इनएविटेबल ये भी वर्ड है, इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का भी मतलब होता है, मतलब ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जिसे हम टाल ना पाए, जो होकर ही रहेगी, अवश्यंभावी, अपरिहार्य, जो होकर ही रहेगी, जिसे टाला ना जा सके, उसे बोला गया है इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी के सिनोनिम्स है सर्टेनिटी, नेसेसिटी, अनअवॉइडेबिलिटी, इनएक्सोरेबिलिटी। एंटोनिम्स है डाउटफुलनेस, डिस्ट्रस्ट, चांस और हेजिटेशन। पोडियम का तो सिंपल सा मतलब होता है जिस पे खड़े होकर भाषण दिया जाता है, वो ऊंची जगह, मंच या चबूतरा जिसे बोला जाता है, या फिर किसी बात करने के लिए, किसी को काम करने के लिए कोई मंच दिया जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि यहाँ पे काम कर सकता है कोई, तो उस कंटेक्स्ट में भी वर्ड आप समझ सकते हैं पोडियम। एंटोनिम्स है प्लेटफॉर्म, स्टेज, स्टैंड, स्टंप। एंटोनिम्स है रिजेक्ट, रूफ और सब्सटेनेंस। स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है बेकार में ही कोशिश करना किसी काम को करने की, संघर्ष करते रहना, खींचतान होना, फिजूल में ही, बेकार में ही मेहनत करते रहना, उसे बोला गया है स्क्रैम्बलिंग। मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रगल करना, दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग। सिनोनिम्स से कन्फ्यूज, मिक्सअप, मडल, बसलिंग, कन्फ्यूजिंग। एंटोनिम्स से अबंडनिंग, एडिंग और कंकरिंग। ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत करना, बिगनिंग ऑफ समथिंग, शुरुआत करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना, उसे बोला गया है ऑनसेट। सिनोनिम्स से स्टार्ट, कमेंसमेंट, बिगिनिंग, इंसेप्शन। एंटोनिम्स से एंड, कंक्लूजन, डेथ और फिनिश। एलुसिव, एलुसिव का सिंपल सा मतलब है ऐसी चीज़ जो हमें समझ ही ना आए, जो भटकाने वाली हो, मायावी हो, अस्पष्टता हो जिसके बारे में, ऐसी चीज़ को बोला जाएगा एलुसिव। सिनोनिम्स से इवेसिव, इंटेंजिबल, बैफलिंग और इम्पेलेबल।
एंटोनिम से आइडेंटिफिएबल, इजी, डायरेक्ट और एबल। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है अपने अपने बातों पर अड़े रहना, अपने काम पर अडिग रहना, अटलता दिखाना, दृढ़ता दिखाना, उसे बोला गया है परसिस्टेंस। सिनोनिम्स है परसीवरेंस, डिटर्मिनेशन, टेनासिटी, एंड्यूरेंस और रेजोल्यूशन। एंटोनिम्स है लेजीनेस और ससेशन। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल में कैबरे से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। किसी तरह का सजेशन, किसी तरह का भी सुझाव हो आपको तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। कोई आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं कंटेंट में, इस सेशन में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।